आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल जोश राइडर्स पे। हमारे सामने आप देख रहे हैं अशोक लेलैंड का ये जो मॉडल है ये है 1615 HE। एक बार मैं आपको मॉडल नंबर दिखा देता हूँ साइड से। मॉडल नंबर हमारा आ जाता है 1615 HE और ये बेसिकली जो है टैंकर है। ये 20 फुट की टैंकर भी बता रहे हैं, एग्जैक्टली साइड से देखने पर पता चलेगा क्या है। तो अशोक लेलैंड काफ़ी ज़्यादा आजकल टाइम में टैंकर में मैं देख रहा हूँ बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो इसका क्या रीज़न है, क्यों लोग इसे पसंद कर रहे हैं, उसके बारे में पूरा हम जानेंगे भैया से। भैया इसके ऑनर हैं। भैया नमस्कार, भैया चैनल पे स्वागत है आपका। तो भैया कितने में भैया ये गाड़ी जो है पड़ती है? इसका जो चेचिस है वो 1920 का है, 52,000 रुपये का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, उसके बाद ये टैंक की कीमत है 5,00,000 रुपये। पेपरों का खर्चा आता है 1,00,000 रुपये करीब। 1,00,000 रुपये पेपर को और RTO वगैरह पासिंग वासिंग? हाँ वो सब 1,00,000 रुपये में ही है। 1,00,000 रुपये में ही हो जाते हैं। ठीक है, यानी 20,00,000 रुपये में चेसिस है, 5,00,000 रुपये में इसका टैंक है और बाकी और 1,00,000 रुपये का खर्चा आप ऐसे बता रहे हो, तो 26,00,000 रुपये में बैठती है, है ना? तो भैया जैसे कि ये जो है क्या कहते हैं आखिर का ये अशोक लेलैंड पसंद क्यों है आपको? इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो भी अच्छी चल रही है आजकल और मार्केट में जो और गाड़ियों से सस्ती भी है और इसकी जो माइलेज है वो भी अच्छा है। माइलेज कितना भैया बताया आपको? 6.5 के करीब बताया। 6.5 का माइलेज? अच्छा, तो भाई देखो ये रीजन है 6.5 का माइलेज गाड़ी जो है दे रही है ये ऐसा बता रहे हैं। और भैया कितने फुट की होगी गाड़ी? ये 18 फुट है। 18 फुट की गाड़ी है। मैं एक बार आपको साइड से दिखा देता हूँ गाड़ी कौन कितनी फुट है यहाँ, क्योंकि अपने साथ ये वाली गाड़ी भी साइड में खड़ी है इसलिए एग्जैक्टली नहीं पता चल पा रहा। ये है जी हिंदुस्तान पेट्रोलियम में गाड़ी चलेगी, इसमें आपको एक बैटरी देखने को मिल जाती है। ठीक है, बाकी इन भैया ने डिज़ाइन कर दिया है सारा। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखा देता हूँ 18 फुट बता रहे भैया, 18 फुट है। ठीक है, मैं पीछे से पूरा लुक यहाँ से दिखा देता हूँ गाड़ी का। तो अभी गाड़ी जो है तैयार हो चुकी है, थोड़ा बहुत छोटा मोटा कुछ काम है वो भी बाकी रह रहा है, बाकी वो भी हो जाएगा भाई। ये कुछ है पीछे से गाड़ी पूरी ऑलमोस्ट तैयार है, बाकी छोटा मोटा कुछ काम है वो होना बाकी है। तो 18 फुट की गाड़ी है ये और बाकी भी ऐसे जानते हैं कि क्या इसमें क्या चीज़ें हैं जो इनको सही लग रही है। तो भैया जैसे अशोक लेलैंड की और भी आपके पास गाड़ियाँ होंगे? नहीं, दूसरी टाटा की, दूसरी बाकी टाटा थी वो सेल कर। अच्छा, सेल कर दी, तो इसके बाद आपने अशोक लेलैंड बनाई है। ठीक है, तो टाटा की जो गाड़ी है वो कैसी चल रही भैया? उसका भी 5 के करीब तो एवरेज है, 500। वो कौन सा वाला मॉडल है? वो मॉडल है 16, मतलब 2016 में आपने लिए वो। अच्छा, वैसे जो ट्रक के साइड में जो मॉडल नंबर लिखा रहता है ना वो कौन सा होगा? ट्रक के साइड मॉडल जैसे टाटा में यहाँ पे लिखा रहता है मॉडल 1612 है। 16 12 अच्छा 16 12, तो वो भी वो 5 का एवरेज दे रही है जी जी। ठीक है, उसकी सर्विस वगैरह कैसी लगी हुई है जी? टाटा की सर्विस कैसी लगी? गाड़ी की सर्विस तो सही है, माइलेज जो थोड़ा प्राइस में तो ये अपना डीजल में है। ठीक है, कितने लीटर का भी इसमें डीजल टैंक होगा? 120 लीटर का डीजल टैंक है। चलो बढ़िया। तो भैया जैसे कि अभी गाड़ी आपने ली है टैंकर में आप चला रहे हैं गाड़ी, है ना, काफ़ी एक्सपीरियंस होगा आपको टैंकर बाजी में जी, है ना। तो जो जैसे कई लोग हैं जो देखते हैं कि यार हम भी टैंकर बना लें, हम भी अपना इस काम में आ जाएं, तो ऐसे लोग आप क्या सलाह देना चाहोगे जो नए लोग हैं? आना चाहते हैं तो अच्छी बात है, दिक्कतें बहुत हैं, रिस्की काम है। रिस्की तो है ही, अब बिल्कुल हर काम में है, है ना, रिस्की बहुत है, जवाबदेही इसमें बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इतना आसान काम भी नहीं है, नॉर्मल जैसे गाड़ी बना लें भाई इसको तो बड़ी सुविधा है, सावधानी से चलाना। तो आपकी अपनी गाड़ी है भैया? तो भैया जैसे इसमें गाड़ी में इसकी किस्त वगैरह कितनी जाएगी अभी? किस्त इसकी है 35,300। 35,300 की जाएगी। और डाउन पेमेंट आपने कुछ किया? डाउन पेमेंट इसमें हमारा गया है 16,00,000 रुपये का, इसमें बाकी डाउन पेमेंट है। ठीक है,
तो ये चीजें अब महीने में भैया मतलब आराम से किस्त तो निकाली लेती होगी गाड़ी? आराम से जी 1.25 लाख रुपए काम कर देती महीने में, 1.25 लाख हो जाता है तो उसमें अगर हम लोग गाड़ी की 35,000 रुपए अगर किस्त हटा भी दें तो भी अपने पास जो है लगभग लगभग मान लो 60-70 हज़ार रुपये तो बच ही जाएंगे, है ना? उसमें 20-30 हज़ार का टीवी लगा लो, हाँ तो वही 10-15 हज़ार रुपये ड्राइवर के लगा लो, 25-30 हज़ार रुपये बच जाते हैं, बच जाते हैं 30,000 मतलब 1,000 रुपये दिन के बच जाते हैं, है ना? ठीक है। बाकी तो अशोक लेलैंड पे आपको काफ़ी ट्रस्ट है, बढ़िया है जी। चलो तो भाई ये थी छोटी सी वीडियो जिसमें भैया ने बताया कि भाई गाड़ी जो है काफ़ी सस्ती है मार्केट में। तो वैसे भैया आयशर वगैरह की भी गाड़ियों में तो सस्ती आ रही है, आयशर है, टाटा है, महंगी पड़ रही है। अब भारत बैंक की गाड़ी हो 25 लाख रुपये का चाहिए थी सर, बताइए और टाटा की सस्ती हो गई इससे? टाटा की 22 के करीब है। तो कुल मिला के सबसे सस्ती अशोक ले लेंड ली है फिलहाल मार्केट में, इसके ही रेट बढ़ी है। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय में दिया। और बाकी यार दोस्तों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को जरूर लाइक करो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और आप अपने कमेंट वगैरह जो है नीचे करिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय।